हेलो एवरीवन आज हम देखने वाले हैं टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र थ्रू एम एस टी सी टी प्रियम और साथ ही में हम इसमें देखेंगे कि कैसे इस कॉलेजेस में स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिले हुए हैं और आपको कितने एम एस टी सी टी के कट ऑफ पे या फिर परसेंटाइल पे ये कॉलेज मिल सकते हैं सो व्यूअर्स यू आर वॉचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट योर्स इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड इनेबल बेल नोटिफिकेशन सो यू वोंट मिस एनी ऑफ द क्वालिटी एजुकेशनल अपडेट्स सो वीवर्स ऑल ओवर महाराष्ट्र एम एस टी सी टी एग्ज़ाम के तहत जो नंबर वन पे इंस्टीट्यूट है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी बॉम्बे यहाँ पे स्टूडेंट को देखा गया है फाइव टू एटीन लैक्स पर एन का सैलरी पैकेज मिला हुआ है ये जब भी हम ये यहाँ पे सैलरीज या फिर कट ऑफ की बात करेंगे तो ये ऑब्वियसली ईयर टू ईयर चेंज होते रहेगा इसका आप हमेशा ध्यान रखिए अब यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो मिनिमम आपका 99.83 परसेंटाइल होना चाहिए एम एस प्री एग्जाम में अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मैंने चार्ट दिया हुआ है ये थर्ड राउंड है 2019 थाउजेंड नाइनटीन का कटॉफ्स है इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा आप डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक देख सकते हैं कट ऑफ का अब यहाँ पे जो रोज़ देख रहे हैं आप उसमें जैसे कैटेगरी कोड्स है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अब ये कैटेगरी कोड कैसे पढ़ेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि जिनका स्टार्ट लेटर जी है यानी कि वो जनरल कैटेगरी हो गया और वहीं पे स्टार्ट लेटर अगर एल है तो वो लेडीज कैटेगरी हो गया अब सेम जहाँ पे एंड लेटर एच है वो होम यूनिवर्सिटी हो गया और जहाँ पे ओ है एंड लेटर वो अदर स्टेट हो गया और जहाँ पे सिर्फ एस है वो स्टेट कोटा हो गया अब मान के चलिए अगर आपको इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में केमिकल ब्रांच में एडमिशन चाहिए तो आपका ऑल ओवर महाराष्ट्र रैंक कम से कम 299 होना चाहिए एम एस में या फिर आपका परसेंटाइल 99.83 के आसपास होना बहुत ज़रूरी है तो सेम बाकी ब्रांचेस का भी आप यहाँ कट कटऑफ देख सकते हैं सो स्टूडेंट आईसीटी के बाद अब बारी आ जाती है सीओईपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे की यहाँ पे देखा गया है लास्ट के कुछ ईयर में स्टूडेंट्स uh, को सेवन टू थर्टी फोर लैक्स पर एनम तक के पैकेजेस मिले हुए हैं यहाँ पे मान के चलिए अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए और आप जनरल ओपन कैटेगरी में हैं तो आपका वन रैंक होना चाहिए और साथ ही में कम से कम नाइन्टी का परसेंटाइल होना चाहिए अब इस चार्ट को आप थोड़ा सा पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक मैंने दिया हुआ है अब सी के बाद बारी आ जाती है वीजे मुंबई की यानी कि वीर माता जीजाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अब यहाँ पे देखा गया है लास्ट ईयर में फ़ोर टू टेन लैक का पैकेज स्टूडेंट्स को मिला हुआ है वहीं अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपका वन रैंक होना चाहिए एम में और मिनिमम 99.416 परसेंटाइल होना चाहिए आपका वहीं अगर हम ओ की बात करें तो आपका 1685 रैंक होना चाहिए और मिनिमम 99 परसेंटाइल होना चाहिए आपका एम एस में अब फी के बाद बारी आ जाती है रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर की अब यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका मिनिमम रैंक थ्री ज़ीरो वन होना चाहिए और साथ ही में मिनिमम आपके जो परसेंटाइल है वो नाइन्टी फोर परसेंटाइल होने चाहिए अब यहाँ पे देखा गया है कि स्टूडेंट को फोर टू एटीन लैक्स पर एन तक का पैकेज मिला हुआ है अब इसके बाद बारी आ जाती है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई की अब यहाँ पे जनरली देखा गया है बच्चों को 5 टू 14 लैक्स पर एन तक का सैलरी पैकेज मिला हुआ है यहीं अगर हम केमिकल ब्रांच की अगर हम बात करेंगे अगर इसमें आपको एडमिशन चाहिए तो आपका ऑल ओवर इंडिया ओपन कैटेगरी में 1388 रैंक होना चाहिए मिनिमम और साथ ही में अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो 99 परसेंटाइल होना चाहिए वहीं अगर हम एस सी की बात करें तो मिनिमम आपको 88 एट परसेंटाइल होना चाहिए अब इसके बाद हम बात करेंगे जी एच रायसोनी कॉलेज की जी एच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सैलरी पैकेज बच्चों को काफ़ी अच्छा मिला हुआ है लास्ट ईयर में यानी कि सिक्स टू थर्टी फोर सॉरी थर्टी सेवन लैक्स पर एन तक का सैलरी पैकेज यहाँ पे बच्चों को मिला हुआ है यहाँ पे अगर हम जनरल ओपन्स कैटेगरी की बात करेंगे तो आपका मिनिमम ऑल ओवर महाराष्ट्र जो रैंक है वो ट्वेंटी के अंदर होना चाहिए और जो परसेंटाइल है वो कम से कम आपका नाइन्टी परसेंटाइल होना चाहिए अब जीएच एच रायसोनी के बाद हम बात करेंगे और एक नागपुर के कॉलेज की वो है वाईसीसी सी सी यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की अब यहाँ पे जो पैकेजेस मिले हुए स्टूडेंट को वो फोर टू एट लैक्स पर एन के मिले हुए हैं वहीं अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम ट्वेंटी थ्री थाउजेंड रैंक होना चाहिए और परसेंटाइल की अगर हम बात करें एम एस की तो मिनिमम 86 परसेंटाइल आपको होने चाहिए वहीं ओ की अगर हम बात करें तो मिनिमम 83 परसेंटाइल आपको चाहिए अब नागपुर में और एक आ जाता है नाम उभर के वो है इसके बाद नागपुर यूनिवर्सिटी या फिर राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों को फोर टू सिक्सटीन लैक्स पर एन तक का पैकेज देखने को मिला हुआ है लास्ट ईयर में और ओपन कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे 4606 रैंक होना चाहिए मिनिमम आपका और परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपको 97 से लेके 92 का परसेंटाइल होना चाहिए अगर आप इसमें फूड टेक्नोलॉजी जैसे आ, इसमें ब्रांच में जाना चाहेंगे तो आपको मिनिमम 97 सेवन परसेंटाइल इसमें चाहिए और रैंक की अगर हम बात करें तो मिनिमम फाइव का आपका रैंक होना चाहिए अब इसमें बात करेंगे हम इसके बाद विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में देखा गया है कि बच्चों को सेवन टू ट्वेंटी सेवन लैक्स पर एन तक का पैकेज मिला हुआ है अगर आप इस कॉलेज में कंप्यूटर ब्रांच लेते हैं या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं तो आपको मिनिमम फिफ्टीन हंड्रेड रैंक होना चाहिए और साथ ही में आपके एम एस में मिनिमम नाइन्टी नाइन परसेंटाइल होने चाहिए वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो आपका 2000 थाउजेंड तक का रैंक भी चल जाएगा इसमें पर आपका परसेंटाइल कम से कम 98 होना चाहिए अब विश्वकर्मा इंस्टीट्यूशन के बाद आ जाता है वॉलचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अब वॉलचंद कॉलेज सांगली में अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आ, बच्चों का सैलरी काफ़ी बढ़िया मिला हुआ है सेवन टू थर्टी थ्री पर एनम का सैलरी यहाँ पे बच्चों को मिला हुआ है यहाँ पे अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट में देख रहे हैं तो आपका मिनिमम ऑल ओवर महाराष्ट्र कैटेगरी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड के आसपास होना चाहिए और परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो आपको कम से कम 97 सेवन परसेंटाइल होने बहुत ज़रूरी है एम एस में अब वालचन के बाद हम बात करेंगे के जे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई की अब मान के चलिए यहाँ पे आपको मैकेनिकल ब्रांच में जाना है तो आपको मिनिमम 98% एट चाहिए यहाँ पे पैकेजेस स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे मिले हुए हैं सिक्स टू एटीन लैक्स पर एन का पैकेज मिला हुआ है अगर हम वहीं रैंक की बात करें तो आपका आ, कम से कम ओपन्स में फोर थाउजेंड का रैंक होना चाहिए और वहीं अगर हम ओ की बात करें तो कम से कम आपका फाइव के आसपास का रैंक इसमें चाहिए अब इसके बाद अगर हम क्यूमेंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेंस पुणे की बात करें काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूशन है गर्ल्स के लिए इसके आ, इसके रिलेटेड मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ है इस कॉलेज में तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टोटल आपको डिटेल्स मिल जाएगी इस इंस्टीट्यूशन के बारे में अब यहाँ पर देखा गया है आ, कि गर्ल्स को एट टू फोटी लैक्स पर एनम का पैकेज मिला हुआ है जी हाँ स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कम से कम आपका 90 से 97 सेवन परसेंटाइल होना बहुत ज़रूरी है एम एस में वहीं अगर हम रैंक की बात करें तो मिनिमम आपका 4000 रैंक होना चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम रैंक जो है ई के लिए 11000 भी गया हुआ है अब किमस कॉलेज जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस के बाद हम बात करेंगे डी वाई पाटिल ऑफ इंजीनियरिंग पूना की अब डी वाई पाटिल में देखा गया है बच्चों को फाइव टू सिक्सटीन लैक्स पर एन का पैकेज मिला हुआ है अब यहाँ पे मान के चलिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है तो जनरल ओपन्स कैटेगरी के, के लिए यहाँ पे कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई गया हुआ है यानी कि फिफ्टी वन थाउजेंड के आसपास का रैंक अगर आपका है तब भी यहाँ पे ये यह कॉलेज आपको मिला हुआ है और परसेंटाइल की अगर हम बात करें एम एस में तो सिर्फ फिफ्टी टू परसेंटाइल पे भी आपको ये कॉलेज मिलने की संभावना है ये लास्ट ईयर के नंबर से स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती है अब डी वाई पाटिल के बाद जो फोर्टीन नंबर पे आ जाता है वो है पिंपरी चिंसवट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे अब यहाँ पे लास्ट ईयर देखा गया है बच्चों को फाइव टू थर्टी टू लैक्स पर एनम तक का पैकेज मिला हुआ है वहीं अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो कम से कम आपका रैंक थ्री के आसपास होना चाहिए और कम से कम परसेंटाइल 98.35 होना चाहिए वहीं अगर हम ओ की बात करें तो आपका 3300 के आसपास का रैंक भी इसमें चलेगा लेकिन परसेंटाइल 98.40 कम से कम होना चाहिए अब इसके बाद जो सबसे लास्ट आ जाता है 15 नंबर पे वो है रामराव अडिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई की अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखा गया है फाइव टू ट्वेंटी लैक्स पर एन तक का पैकेज मिला हुआ है वहीं अगर हम इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच की बात करें तो अगर आप ओपनस कैटेगरी में है तो आपको कम से कम सिक्स थाउजेंड के आसपास का रैंक होना चाहिए विथ नाइन्टी सिक्स परसेंटाइल वहीं अगर हम आ, इसमें लेडीज़ ओपन्स कैटेगरी की बात करें होम स्टेट तो कम से कम आपका सेवन थाउजेंड के आसपास रैंक होना चाहिए लेकिन आपका जो परसेंटाइल है वो मिनिमम नाइन्टी होना चाहिए तो ये सब चार्ट से स्टूडेंट आपको आसानी से इन सब की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन uh, के लिंक में मिल जाएगी ताकि आप आसानी से देख सकते हैं हर एक कॉलेज की डिटेल है उसमें हर एक ब्रांच की डिटेल है आप ब्रांच वाइज कट ऑफ देख सकते हैं उस अकॉर्डिंग आप आने वाला अभी जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म जो अभी निकला हुआ है वो आप आसानी से भर सकते हैं यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशंस मिलने वाले हैं अब एम एस के ऊपर और भी कई सारे वीडियोस आने वाले हैं तो प्लीज़ फ्रेशर्स गेट को सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकन भी दबा के रखिए अगली बार फिर मिलते हैं और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टाफ के साथ Till then have a great day, have a great time and thanks for watching guys.